नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फंडामेंटल का फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार और डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। आज हम केवल डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, आज हम केवल इसी बात पर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में बहुत सी बातें जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर डिजिटल कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर आप यहाँ पर जिस तरह आप नॉर्मली यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। तो चलिए पहले बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर, आप मैं पिक्चर्स को दिखा दूं, ये है आपकी माइक्रो कंप्यूटर की पिक्चर्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को हम जनरली यूज करते हो, जैसे कि आप जैसे कि देखे होंगे कि बहुत सी शॉप पे माइक्रो कंप्यूटर, किसी व्यापार क्षेत्र में छोटे छोटे व्यापारी यूज करते हैं कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में आपने देखा होगा जैसे कि एक डीवीडी राइडर, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, इस तरह की चीजें लगी होती हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक बेसिकली जनरली सभी लोग यूज करते हैं और ये माइक्रो कंप्यूटर हर घर में भी पाया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर ज्यादा महंगा नहीं है। ठीक है, तो जनरली सामान मिडिल क्लास के लोग माइक्रो कंप्यूटर को ज्यादा यूज करते हैं, वो बजट में भी आता है और वो वर्क नॉर्मली वर्क के लिए यूज किया जाता है। अब बात की जाए कि माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण व्यक्तिगत कार्य के लिए किया गया, लेकिन पहला माइक्रो कंप्यूटर 1976 में बनाया गया, जिसका नाम अटेर 8800 था, 80800 था। अब बात करते हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से आ जाता है। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि हम नॉर्मली यूज करने वाले कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, और फिर दूसरा आता है लैपटॉप। ठीक है, तो माइक्रो कंप्यूटर में आपको ये पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर की ही है। अब बात करते हैं सेकंड में मिनी कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, मिनी कंप्यूटर बड़े छोटे होते हैं, सॉरी बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इसके जो फीचर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा हैवी होते हैं। मिनी कंप्यूटर को एक छोटे से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इनका आकार काफी छोटा होता है और ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर के ही आप कह सकते हो कि मिलता जुलता है, लेकिन मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच की कड़ी बोल सकते हैं। मिनी कंप्यूटर को अपन माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा फीचर वाला बोल सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर की फीचर से बहुत कम फीचर होते हैं इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि माइक्रो कंप्यूटर वही है जो सॉरी मिनी कंप्यूटर वही है जो माइक्रो कंप्यूटर है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। इसमें कुछ आपको मैं बता दूं, जब मिनी कंप्यूटर आते हैं तो इसमें टैबलेट आ जाता है, नेटवर्क कंप्यूटर आता है, नोटबुक कंप्यूटर, जो मैं आपको यहाँ पर मिनी कंप्यूटर आपको बता देता हूँ इस तरह के। तो छोटे छोटे जो लैपटॉप होते हैं, छोटे छोटे जो टैबलेट होते हैं, वो मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, बहुत से होते हैं लेकिन इनको माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जा सकता है, लेकिन फीचर ज्यादा हैंड होने पर इन्हें मिनी कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मिनी कंप्यूटर, पहले मिनी कंप्यूटर का निर्माण आईबीएम कंपनी 1960 में किया गया था, जिसका उद्देश्य केवल बिजनेस डेटाबेस मैनेजमेंट कम्युनिकेशन सर्वर जैसे कार्य करने के लिए किया गया था। ठीक है, आप बेसिकली समझ गए होंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, अब इसके कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत डेस्कटॉप मॉडल्स आ जाते हैं, नोटबुक कंप्यूटर आते हैं, नेटवर्क कंप्यूटर और टैबलेट आ जाते हैं। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आपके इस प्रकार से होते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको ये पिक्चर्स दिख रही होगी मेन फ्रेम कंप्यूटर की, लेकिन दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट होते हैं, लेकिन ये सुपर कंप्यूटर से बहुत इन्हें फास्ट नहीं कहा जाता। हम जब बैंक या किसी सरकारी संस्था या कोई, तो वहां पर जब डाटाबेस की जरूरत पड़ती है, इतने मतलब इतने लेवल के स्तर के वर्क की जरूरत पड़ती है, तो वहां ये यूज किया जाता है। ठीक है, मिनी कंप्यूटर आप ध्यान रखना कि सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल नहीं है
और माइक्रो कंप्यूटर सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज्यादा फास्ट है। तो हम कह सकते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर से छोटा है, लेकिन मिनी और माइक्रो कंप्यूटर से काफी हाई लेवल का है ये। ठीक है, तो इसका यूज आप मैंने आपको बताया कि फास्ट होता है। ठीक है, आज इस समय कंप्यूटर का उपयोग दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी प्रत्येक से सरकार कर रही है। जैसे उद्योग में मैंने आपसे बोला कि छोटी छोटी उद्योग है, कंपनियां है, बैंक है, सरकारी विभाग है, तो वहां पर जो वर्क होता है वो काफी उनका डाटाबेस रहता है, तो वहां पर मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किया जाता है। ठीक है, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण आईबीएम कंपनी में भी किया, जिसका मेन फ्रेम कंप्यूटर को 1944 में बनाया, जिसे स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर एएससी के रूप में जाना गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए लिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं ये हैं उनके कार। ठीक है, तो आप मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं लास्ट की बात करता हूँ, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर को जैसे आप नाम से ही जान गए होंगे कि ये सबसे फास्ट कंप्यूटर है। अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी और बहुत से जो जो हार्ड वर्क होता है, डिफिकल्ट वर्क होते हैं, जो काफी बड़े लेवल पे की जाते हैं, वहां पर हम सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अंतरिक्ष वगैरह में जो भी कार्य हो रहे हैं वो मेन फ्रेम माइक्रो और मिनी कंप्यूटर को नहीं लिया जाता, वहां पर हम सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर पावरफुल होने के लिए इसमें काफी अच्छे लेवल के, मतलब जो जो व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर ऐसे फीचर ऐड किए जाते हैं जो बड़े लेवल के स्तर पर वर्क करने योग्य होती हैं। तो माइक्रो मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर से भी सबसे बड़ा कंप्यूटर माना जाता है सुपर कंप्यूटर को। अब बात करते हैं दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर किसने पहले का दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर 1962 बनाया, जिसका नाम था क्रे था। ठीक है, आज दुनिया में बहुत से सुपर कंप्यूटर हैं, जैसे मैं अभी वर्तमान में जो चल रहा है सुपर कंप्यूटर वो है ब्लूजिन, एलए सिस्टम, सिलिकॉन ग्राफिक्स, AKCRL। ठीक है, तो ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, तो ये है आपकी सुपर कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। पहले होता है आपका माइक्रो, दूसरा मिनी, तीसरा मेन फ्रेम, चौथा सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो जनरली हम सामान कार्य के लिए यूज किया जाता है, मिनी कंप्यूटर को हम थोड़े अच्छे लेवल पे माइक्रो कंप्यूटर से माना जाता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी और माइक्रो से बड़ा होता है, सुपर कंप्यूटर का ये सभी से बड़ा हो जाता है, और जिसे हम अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी हाई लेवल एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा और आप डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार को अच्छे तरीके से जान गए हो। तो आप इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।